तो मैं आज आ चुका हूँ मेहरौली में, एक पार्क है आर्कियोलॉजिकल पार्क। एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद जो राइट साइड में आपका है वो गुलाब का बगीचा पहला पॉइंट होता है कपल के लिए। कपल के लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट है यहाँ पर। मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, ये एक हॉन्टेड पैलेस है, जब काफ़ी अच्छी जगह है और हिडन पैलेस है, किसी को नहीं पता है और सस्ता जुगाड़ है, ओयो से भी सस्ता जुगाड़ है। तो पहला अट्रैक्शन है इसका यहाँ का फाउंटेन। भाई देखो आधा किला डूबा हुआ नीचे, बस जीना एकदम खड़ा है भाई, ध्यान से आइयो। पहला इंप्रेशन है दी कैफे स्टोन के नाम से, यहाँ पर आपका रेस्टोरेंट है या और अपना कैंटीन भी है। तो ये है अभी पहला मोहम्मद अली खां का मकबरा। हाँ सर, आप देख सकते हैं आपका कुतुब मीनार का बना व्यू सामने था जहाँ हम सुबह गए थे। अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन चलेंगे, वहाँ पर बाबली है, देखेंगे चल के। तो मैं आज आ चुका हूँ मेहरौली में, एक पार्क है आर्कियोलॉजिकल पार्क, जिसके अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें घूमने के लिए भी हैं, हॉरर पैलेस भी है और इसमें देखेंगे डिस्कवर करेंगे इसके अंदर। एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद जो राइट साइड में आपका है वो गुलाब का बगीचा है, उसके पीछे कुली खां का मकबरा भी है और यहाँ पर हॉन्टेड पैलेस है, बहुत बढ़िया जगह है। अभी डिस्कवर करेंगे इसके अंदर, बताएंगे आपको क्या क्या है यहाँ पर बने रहे इस ब्लॉक के अंदर, डेली बाड़ी ब्लॉक। पहला पॉइंट होता है कपल के लिए, कपल के लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट है यहाँ पर, अपने आके मनोरंजन भी कर सकते हैं और अपना टाइम स्पेंड ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पर आके। मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, ये एक हॉन्टेड पैलेस है, जब भी आप आएँ यहाँ शुक्रवार के दिन बिना खुशबू लगा के आएँ, क्योंकि यहाँ पर जिन्नातों का वास है, भूतों का वास है, पहले ही क्लियर मैं कर दूँ। बट इससे आगे हम जाएँगे, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें एक बाबली है, कुली खां का मकबरा है, जमाली कमाली की मस्जिद भी है। भाई रास्ता कहाँ से है यहाँ से, यहाँ से दस से? अरे बाबली है, कुली खां का मकबरा भी है, मस्जिद भी है, इधर है ये वाला, इधर से वो पीछे क्या है, वहाँ पार्क है क्या है? अच्छा घूमने का आगे सारा, तो आ जाओ यार, ऐसे भी मत बोलो, सॉरी आई एम सॉरी, मैं समझ। तो मेरे भाई आप देख भी रहे हो गए, यहाँ पर ज़्यादातर कपल शॉट के लिए ही जाते हैं, कपल के लिए काफ़ी अच्छा इलाका है, काफ़ी सुनसान है। अभी जो टाइम हो रहा है मैं बता को टाइम बता दूँ, 5 बज रहे हैं, ठंड का टाइम है और काफ़ी अच्छी जगह है और हिडन पैलेस है, किसी को नहीं पता है और सस्ता जुगाड़ है, ओयो से भी सस्ता जुगाड़ है। आंटी जी बावली कितने बनी है, बावली बावली यहाँ पर कहाँ बनी है, इसी पे है। तो भाई मेरी तो पट रही है गांड पूरी वाली, क्योंकि मुझे तो लग रहा डर, क्योंकि पहले उसने बंदे ने कहा था जाने से पहले भैया साथ में आना, और मैं अपने साथ में भाई 3 बंदे लेके आऊँ, एक गगन, एक मैं और एक मेरा भाई शुहेब वोरा, जो कि मुझे हिम्मत देगा, मेरा भाई गगन आओ जल्दी आओ आ जाओ, क्योंकि हमारा लोग और ठंड भी लग रही है मेरे को इस मारे भाई में, फुल तैयारी से होकर आया हूँ, बाकी अल्लाह मालिक है। तो अभी पहला पॉइंट आ गया हमारा, तो पहला अट्रैक्शन है इसका यहाँ का फाउंटेन, और यहाँ पर सब पानी के मज़े लेते हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छा है पार्क, और ये सारा अंदर जाने का रास्ता है सारा, अभी चलेंगे ब्लॉक के अंदर। भाई देखो आधा किला डूबा हुआ नीचे, आधा पानी में है आधा ऊपर है, गन भाई नहाओगे इसके अंदर? देखो आधा जो किला है इसका नीचे का आधा हिस्सा पानी के अंदर है और आधा ऊपर है। गगन भाई देख लो पानी, नहाने मन कर रहा तुम्हारा? भाई ऊपर चढ़ के देखेंगे वह क्या है, बोट हाउस बेकार है भाई, देखना गगन भाई आना भाई, एक नंबर भी हो यहाँ का, तो तुम्हारा भाई फुल रियल हॉन्टेड पहले से सारा का सारा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ तो नज़ारे, वाह
नज़ारा खूबसूरत है, मगर भाई कपल का अड्डा बहुत बढ़िया है। आ जाओ फ्री का हो जाओगे रूम में, आ जाओ। हाँ मेरी जान, ज़्यादा किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, री रेनोवेट करा गया सारा का सारा। तो पहला इंप्रेशन मेरे को लगा काफ़ी अच्छा, यहाँ पर कपल के लिए काफ़ी अच्छा है। एक पैलेस भी है और ऊपर इसका एक रेस्टोरेंट है, जो कि अभी यहाँ से रास्ता है ऊपर चलेंगे, पर एक किला बना हुआ है, किला के ऊपर एक रेस्टोरेंट है। काफ़ी अच्छा पार्क है, पार्क के अंदर काफ़ी अच्छा व्यू भी आने वाला है। आ जाए, थैंक यू ब्रो। बस जीना एकदम खड़ा है भाई, ध्यान से आइयो, ध्यान से आना भाई। भाई जीना तो वाकई खड़ा हुआ है, तो ऐसे और कुछ खड़ा होता है जीना है। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है यहाँ पर, वाओ। तो पहला इंप्रेशन है दी कैफे स्टोन के नाम से यहाँ पर आपका रेस्टोरेंट है, या और अपना कैंटीन भी है दी, तो आप जाके कॉफ़ी चाय जो भी आपको पीना हो आप पी सकते हैं। बट अभी हम अंदर नहीं जाएंगे, पीछे का व्यू जो कार है काफ़ी औसम है, तो पीछे कैंटीन अच्छी बनी हुई है। अगर आप फैमिली के साथ आए हैं तो आप अपना टी पी सकते हैं, कॉफ़ी चाय जो भी आपने जो भी अपने पीना हो वो पी सकते हैं। बट अभी हम अंदर नहीं जाएंगे, चलेंगे अभी अंदर। तो ये है अभी पहला मोहम्मद अली खां का मकबरा। तो जैसा कि सामने आपको कुतुब मीनार भी दिख सकता है, अभी हम वहाँ से व्लॉग शूट करके भी आए हैं, कुतुब मीनार बहुत साफ दिख रहा है। ये है आर्कियोलॉजिकल पार्क, यहाँ से आप देख सकते हैं आपका कुतुब मीनार का बना व्यू सामने था, जहाँ हम सुबह गए थे। तो अपना पूरा व्यू यही था, अभी चलेंगे उस तरफ, आ जाए। तो अभी मकबरे से नीचे आएंगे, चले। यार बाकी जो भी बात है कुतुब मीनार बहुत क्लियर दिख रहा है भाई, इसमें क्या चल रहा है काम, उसमें क्या है? अच्छा उस पार्क के पीछे क्या है वाले पार्क में? तो बंद है। चलो तो अभी चलते हैं उधर, आइए। हाँ अंदर हो गया है, मकबरा है खाली, कोली खाओगा। चलो तो कुछ नहीं है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भाई की फोटो खेत नीचे। तो अब जाएंगे नीचे की तरफ से सीढ़ियों पे। कोली खां का मकबरा घूमने, काफ़ी अच्छा मकबरा था यहाँ का, और काफ़ी अच्छा व्यू भी रहा, कैफ़े भी है यहाँ पर, घूमने लायक जगह भी है। तो अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में चलेंगे, वहाँ पे बावली है। यार बाकी जो भी बात है कुतुब मीनार बहुत क्लियर दिख रहा है भाई, इसमें क्या चल रहा है काम, उसमें क्या है? अच्छा उस पार्क के पीछे क्या है वाले पार्क में? तो बंद है, बंद है। चलो तो अभी चलते हैं उधर, आइए। हाँ अंदर हो गया है, मकबरा है खाली, कोली खाओगा। चलो तो कुछ नहीं है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भाई की फोटो खेत नीचे। तो अब जाएंगे नीचे की तरफ से सीढ़ियों पे। कोली खाओगा मकबरा घूमने, काफ़ी अच्छा मकबरा था यहाँ का,
और काफ़ी अच्छा व्यू भी रहा, कैफ़े भी हैं यहाँ पर, घूमने लायक जगह भी है। तो अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन चलेंगे वहाँ पर।